माई चैनल, माई नेम इज़ कृतिका सिमन, होप यू आर डूइंग वेल। और आज का टॉपिक होने वाला है फैशन फोरकास्ट, लाइक जो ट्रेंड्स 2021 में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं और चलने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। एंड फैशन फोरकास्ट करने के लिए स्पेशल लोग रहते हैं जो बहुत लाइक रिसर्च एंड वो अलग ही लाइक टॉपिक है, स्टडीज़ करके वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि आगे कौन सा ट्रेंड आएगा एंड ऑल, एंड देन वही ट्रेंड्स वो लोग डिज़ाइनर्स रनवे पे बताते हैं। सो फिर मैंने भी थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़े एंड रिसर्च किया, एंड मुझे जो ट्रेंड्स पसंद आए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज एंड में मैंने फॉर बॉयज़ एंड मेंस के लिए भी कुछ फैशन ट्रेंड्स बताए हैं जो 2021 में चलने वाले हैं। सो मैंने अभी फ़िलहाल तो एक बुक लिया है जिसमें मैंने सब पॉइंटर्स लिखा है, बिकॉज इतना याद कौन रखेगा। एंड मेरे को ऐसे फील हो रहा है आई एम गिविंग प्रेजेंटेशन, बिकॉज मैंने स्लाइड्स बनाए हैं एंड यू विल नो दैट धीरे धीरे। तो मैंने जो ट्रेंड्स है उसकी कैटेगरीज की है, लाइक अलग अलग कपड़ों के ट्रेंड होते हैं, पैटर्न्स रहते हैं, देन एसेसरीज रहते हैं, तो मैंने ऐसे कैटेगरीज किया है। तो फर्स्ट ट्रेंड के ओर बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं मेन कंटेंट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी, तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है अबाउट कलर्स। तो इस साल का पेंटोन कलर जो है वो है येलो एंड ग्रे। नाउ ये दोनों कलर बहुत ही इंडिपेंडेंट कलर है, लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अलग अलग डिरेक्शन वाले कलर्स है, बट इफ परफेक्टली कंबाइन किया जाए, कॉम्बिनेशन रेडी किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लुक दे सकता है। एंड येल्लो इज़ लाइक सो हैप्पी एंड सनशाइन टाइप फीलिंग वाला कलर, एंड जो इतना कोरोना के वजह से इतना डार्क एंड ग्लूमी टाइप एटमोसफियर चालू है, लाइक इट्स नॉट वेरी हैप्पी एंड सनी टाइप एटमोसफियर, एवरी वन इज़ इन थोड़ा सा स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। सो येल्लो इज़ लाइक अ रे ऑफ होप यू कैन से। तो इसलिए इस साल का जो पेंटोन कलर है वो है येल्लो एंड ग्रे। सो उसके बाद का जो कलर है वो है बबल गम कलर। तो ये कलर की रेंज बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, लाइक फ्रॉम नियॉन से लेकर पेस्टल तक, एंड इफ़ प्रॉपरली पेयर इट कैन गो फ्रॉम कैजुअल टू फॉर्मल्स, एंड बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर है जो समर्स में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगता है फॉर आईज, लाइक समर्स चालू है एंड वेन यू सी समथिंग कलरफुल इट मेक्स यू हैप्पी। बाद का जो कलर है वो बहुत न्यूट्रल है, दैट इज़ ब्राउन एंड खाकी। नाउ आई नो ये दोनों भी कलर बहुत ही बोरिंग और बॉयश एंड अंकल टाइप्स लगते हैं, बट इफ़ हम लोग उसको अच्छे से पेयर करें विथ समथिंग ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स और लेयरिंग इट विथ डिफरेंट टेक्सचर्स तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड कूल लुक देगा, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। लाइक वो लोग न्यूट्रल्स है तो कोई भी कलर्स के साथ आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। सो ये हम लोग के कलर्स थे। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ सिल्वेट। नाउ सिल्वेट मतलब एक आउटलाइन होता है ऑफ थिंग्स और आउटफिट्स। नाउ इन फैशन टर्म सिल्वेट मतलब कोई भी कपड़ों का आउटलाइन, लाइक कैसे कपड़े इस साल होने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो कपड़ों की होने वाली है वो है वाइड लेग जींस, डेनिम्स और वाइड लेग ट्राउजर्स। लाइक लास्ट ईयर हम लोग ने पूरा साल लाइक घर में थे एंड एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम इन देयर पजामास, बट ऑब्वियसली अभी जब बाहर जाने लगे वी कांट गो इन आवर पजामास, बट पीपल वॉन्ट दैट कम्फर्ट। सो फॉर दैट वी हैव ऑप्शन ऑफ वाइड लेग ट्राउजर्स और डेनिम्स एंड जीन्स, लाइक वी कैन ऑप्शन फॉर दोज इंस्टेड ऑफ पजामास, एंड दे लुक वेरी कूल एंड क्लासी टू। एंड ये ट्रेंड रहने वाला है बिकॉज पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स मोर फैशन एंड कम्फर्टेबल, दे वॉन्ट बोथ। पहले कैसे पीपल वर लाइक थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर लेते थे, इवन इफ इट्स नॉट कम्फर्टेबल बट इट्स फैशनेबल आई एम गोइंग टू वेयर इट, एटलीस्ट आई वॉज लाइक दैट, बट नाउ इट्स लाइक आई वॉन्ट कम्फर्ट फर्स्ट। तो फिर इसीलिए पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर वाइड लेग जीन्स and trousers which look very super classy, and even a basic tee pair with a wide leg denim looks very stylish. Next silhouette jo hai wo hai button down, matlab ki shirt but like thoda bahut oversize. Now aap ye trousers ya denims ya skirts like kaise bhi pair kar sakte ho, ya only wear button down as a dress and you are ready to go, and it looks super chic and stylish too. एंड समर्स है तो लाइक थोड़ा ओवर साइज एंड बटन डाउन्स आर वेरी कम्फर्टेबल इफ़ दे आर इन कॉटन एंड लुक सुपर स्टाइलिश। नाउ द नेक्स्ट सिल्वेट इज़ जो है बहुत 80s से इंस्पायर, वो है बोल्ड स्लीव्स का। नाउ अभी हम लोग यहाँ वहाँ देखेंगे तो देख सकते हैं, लाइक लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट वो चालू हो गया है,
लाइक पीपल आर वेयरिंग इतने बड़े बड़े स्लीव्स, थोड़ा पफ स्लीव्स या फिर बलून स्लीव्स, फ्लेयर स्लीव्स, एनीथिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव्स जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड पावरफुल लुक देते हैं, एंड दे आर वेरी ट्रेंडी, एंड इवन यू कैन वेयर लाइक टॉप्स पहन सकते हो या फिर ड्रेसेस डाल सकते हो या फिर इवन यू कैन पेयर इट विद साड़ीज लाइक क्रॉप टॉप के साथ, एंड दे लुक सुपर स्टाइलिश एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है इस साल. वो ट्रेंड है वो है सेकेंड स्किन, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटेड रहता है, लाइक आपकी जो स्किन है उसको इतना चिपक के रहता है, लाइक इट फील्स एज इफ इट्स योर सेकेंड स्किन. एंड ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट वेराइटीज़ में आता है, लाइक श्योर फैब्रिक से लेकर ओपेक फैब्रिक तक, एंड आप इसको अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल ओनली वेयरिंग लाइक इतना फिटेड क्लोथ या टॉप, तो यू कैन वेयर इट लाइक लेयरिंग में, लाइक वेयर अ जैकेट ओवर इट, और इफ़ यू हैव अ स्लिप ड्रेस तो वेयर दैट शियर टॉप अंडर नेट, सो यू आर लाइक वेरी कम्फर्टेबल, यू विल फील कम्फर्टेबल एंड अच्छा भी लगता है, इट्स ट्रेंडी एंड वेरी एस्थेटिक टू. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कैटेगरी, तो वो है अबाउट पैटर्न्स, लाइक आउटफिट हो गया, कलर हो गया, तो अब पैटर्न्स, ऑब्वियसली पैटर्न्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल ड्रेसिंग. सो फिर जो फर्स्ट पैटर्न है दैट इज़ वेरी एवरग्रीन पैटर्न, एंड ये हम लोग हर साल देखते हैं. कैन यू गेस इट? लेट मी टेल यू, इट्स फ्लोरल्स. लाइक फ्लोरल्स आर सो एवरग्रीन, लाइक एवरी ईयर इन समर्स आई सी फ्लोरल क्लोथ्स, लाइक आउटफिट्स एवरीवेयर, बी इट ड्रेसेस या फिर टॉप्स, लाइक कुछ भी स्कर्ट्स, यू कैन सी फ्लोरल्स एवरीवेयर, एंड वो ट्रेंड के बाहर कभी नहीं जाने वाले. बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लाइक बड़े फ्लावर्स का पैटर्न या छोटे फ्लावर्स का पैटर्न एंड कलर स्कीम एंड ऑल. सो इवन दिस ईयर फ्लोरल इज इन एंड इन ट्रेंड, सो इफ यू लव फ्लोरल्स तो इट्स अ गुड डील टू इन्वेस्ट इन अ फ्लोरल आउटफिट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग एनी वेयर सून, ये हमेशा ट्रेंड में होने वाला है. तो फ्लोरल टॉप्स या ड्रेसेस खरीदना है तो प्लीज़ खरीदना, बिकॉज नेक्स्ट ईयर भी वही फ्लोरल्स रहने वाला है. नाउ जो नेक्स्ट पैटर्न है वो टाई एंड डाई है, एंड लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर जो हम लोग घर में थे, वी ऑल ट्राई टू डी आई वाई अ टाई एंड डाई टी शर्ट और समथिंग, लाइक हम लोग सबके अंदर की फैशन वाली आत्मा जाग गई थी एंड वी वॉन्टेड टू डी आई वाई आउटफिट फैशन में. बट दिस ईयर इट इज़ अ स्टेप अहेड एंड नॉट इट्स लिमिटेड टू जस्ट टी शर्ट्स. फैशन डिज़ाइनर्स ने रैम पे बहुत ही ज़्यादा वास्ट वेराइटी में टाई एंड डाई को लेके गए हैं, लाइक फ्रॉम काफ्तान्स, ड्रेसेस, जैकेट्स, इवन डेनिम्स को, एंड देर आर मेनी वेराइटीज इन टाई एंड डाई टू, सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड लुक सुपर कूल एंड एस्थेटिक. नाउ जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज़ अबाउट बोल्ड प्रिंट्स, नाउ इन शॉर्ट रणवीर सिंह स्टाइल, लाइक दो अलग अलग टाइप के प्रिंट्स मिक्स एंड मैच करके पहनना. Now I am going to make a different video for like how you can mix and match different prints, but उसके लिए टाइम है, सो इसीलिए तब तक आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो. इट्स अबाउट बोल्ड प्रिंट्स, सो इवन इफ इट्स नॉट मैचिंग आई डोंट फील कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इट शुड बी बोल्ड एंड ब्यूटिफुल. एंड ये थे हमारे पैटर्न्स लाइक टाई एंड डाई, देन बोल्ड प्रिंट्स एंड फ्लोरल्स ऑफकोर्स. एंड इसके बाद का जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज़ एसेसरीज. ऑब्वियसली आउटफिट्स हो गए तो एसेसरीज में भी कुछ ना कुछ ट्रेंड्स तो होंगे ही. नाउ यू कैन सी कि हर जगह एवरी वन इज़ वेयरिंग चेन्स, लाइक इट गिव्स लेयरिंग में भी एंड इट गिव्स सो एस्थेटिक वाइब, एंड ये बहुत ही ज़्यादा 80s स्टाइल है, लाइक वही एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक 80s, 90s, 2000s का स्टाइल वापस रिपीट हो रहा है, जस्ट अ बिट ऑफ चेंजेस के साथ. तो चेन्स में देर आर डिफरेंट स्टाइल्स लाइक कर्व ब्रेसलेट, बहुत ही क्लासी और ट्रेंडी लुक इट गिव्स. ऑल्सो आप कैजुअल्स में तो ये वेयर कर सकते हो, बट इवन फॉर योर फॉर्मल मीटिंग्स एंड फॉर्मल वेयर, इफ थोड़ा छोटा लाइक डेंटी टाइप चेन्स इफ यू वेयर, इट इवन गिव्स यू वेरी क्लासी लुक. सो मूविंग फॉरवर्ड टू जो नेक्स्ट एसेसरी है दैट इज़ वेस्ट बेल्ट. नाउ ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है बिकॉज वी आर वेयरिंग एवरीथिंग ओवर साइज, लाइक ओवर साइज बटन डाउन, ओवर साइज जीन्स और लूज टी शर्ट्स, एवरीथिंग. सो कुछ तो चाहिए स्ट्रक्चर देने के लिए टू योर वेस्ट, सो बेल्ट आर अ गुड ऑप्शन टू गिव स्ट्रक्चर टू योर वेस्ट. नाउ बेल्ट बहुत ही ज़्यादा वास्ट वेराइटी से में आते हैं, लाइक फ्रॉम फैब्रिक बेल्ट
टू मेटल बेल्ट्स और लेदर बेल्ट्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ बेल्ट्स एंड इट्स अ गुड लाइक गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से. एंड अगर आपको बेल्ट खरीदना है तो प्लीज़ गो फॉर इट, दिस इज़ द राइट टाइम. एंड जो अगला एसेसरी है दैट इज शूज़. नाउ फॉर शूज़, हील्स, सैंडल्स, आई वुड से लाइक वी नॉट ऑल गर्ल्स आर कम्फर्टेबल, सब लोग कम्फर्टेबल नहीं होते हैं वो इतने पतले पतले से हील्स पहनने को, ऑब्वियसली नॉट. बट इवन वी वॉन्ट टू लुक स्टाइलिश एंड कुछ तो हील्स चाहिए, तो फिर वी हैव ऑप्शन ऑफ प्लेटफॉर्म हील्स. नाउ दे आर वेरी कम्फर्टेबल, ईजी टू वॉक इन, एंड आई गेस एवरी गर्ल कैन कैरी दिस शूज, हील्स और सैंडल्स, एंड इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू. एंड समर्स में स्पेशली दे आर अ वेरी लाइक क्लासी एंड वेरी कूल एंड ट्रेंडी इट gonna look with all your outfits. So do invest in heels if you are sorry do invest in platforms. Agar aap shoes ya kuch khareedne ka soch rahe ho, go for platform heels. Now aur bhi shoes and heels mein categories hai. Now kitten heels, now kitten heels, actually personally I don't like kitten heels, they look weird. Thodu sa itu sa heel rehta hai, aise bahut hi zyada weird I feel, but if you love then go for it because DSL kitten heels are in trend. And jo next trend hai which I saw on runways, that is fur wale flats ka, like fur wale ya fleece you can say, aise furry furry type slippers, flats, slip-ons, uska bahut hi zyada trend hai. So if you love such type of chappals, go for it. Hamara next trend or last trend I would say है वो है टेक्सचर्ड बैग्स. नाउ हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल स्लिंग्स वर वेरी ट्रेंड लास्ट टू लास्ट ईयर तक, स्लिंग्स वर लाइक अ हिट आई वुड से. बट जो ये साल ट्रेंड में है वो है शोल्डर बैग्स एंड ऑल्सो क्विल्टेड एंड टेक्सचर बैग्स रहता है, जो जिसपे ऐसे थोड़ा बहुत टेक्सचर रहता है. पिक्चर्स यू कैन सी हियर, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है. एंड फॉर शोल्डर बैग्स जिसके हैंडल्स ऐसे स्क्रंची टाइप्स रहता है, स्क्रंची हैंडल बैग्स, वो भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में. सो इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन बैग्स, आई वुड सजेस्ट गो फॉर सच बैग्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल चेन वाला स्लिंग्स या कुछ, बिकॉज दिस लुक्स मोर ट्रेंडी. सो ये थे हमारे ट्रेंड्स फॉर दिस ईयर. और आपको ये ट्रेंड्स पसंद आए और मैंने जो नॉलेज शेयर किया आपके साथ वो अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. लेट देम बी ऑल्सो थोड़ा ट्रेंडी दिस 2021. एंड गर्ल्स के ट्रेंड तो हो गए एंड इवन बॉयज़ कैन फॉलो दिस ट्रेंड, ऐसा कुछ है नहीं, बट हियर्स अ स्पेशल स्लाइड फॉर बॉयज टू हैव अ लुक एट इट. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज अभी आने वाले हैं एंड इफ यू लव दिस वीडियो कमेंट करना मत भूलना. हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर एंड बाय बाय.